हेलो ब्रीफ, वेलकम बैक टू द चैनल पांडे गाइस। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 एप्लीकेशन जो सभी वीडियो क्रिएटर्स के पास होने चाहिए, जिसकी मदद से आप अपनी वीडियोस के थंबनेल, वीडियो एडिटिंग और साथ ही वहाँ पे जो आपके चैनल का SEO सब कुछ आप देख पाएँ। तो साथ ही मैं लास्ट में आपको 2-3 बोनस ऐप भी बता दूंगा जिसकी मदद से आप थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ ही वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं जिसका नाम है YT Studio। YT Studio की मदद से आप जो है अपने चैनल का पूरा एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपके वीडियोज़ पे कितने व्यूज़ हैं और साथ ही वहाँ पे लाइक्स, डिसलाइक और कितने कमेंट हैं, वहाँ पे आप कमेंट का रिप्लाई भी कर सकते हैं। और बाकी वहाँ पे जो है आप अपनी वीडियोस का रैंकिंग देख सकते हैं, आपके वीडियोस कितने नंबर पर चल रही है, और साथ ही वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके वीडियोस का वॉच टाइम कितना है, कितने मिनट तक आपके वीडियोस को जो है आपके ऑडियंस देख पा रही है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो व्यूअर्स जो हैं उनकी एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे आपके वीडियोस में आपकी वीडियो जो है YouTube कितने लोगों तक पहुंचा रहा है, साथ ही वहाँ पे आपके वीडियोस पे एड्स चल रहे हैं वो भी आप देख पाएंगे। नंबर सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं जिसका नाम है Pixel Lab। पिक्सल लैब की मदद से आप जो है अपनी वीडियोस के थंबनेल बना सकते हैं। थंबनेल कैसे बनाना है मैंने सब कुछ एक वीडियो में प्रॉपरली बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे पिक्सल लैब में क्या होता है कि आप जो है डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल हैं, बाकी वहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, आप अपने वहाँ पे थंबनेल बना सकते हैं, साथ ही चैनल का जो बैनर होता है वो भी बना सकते हैं। बाकी वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे मतलब इमेज साइज है, वहाँ से आप बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ डाउनलोड का भी ऑप्शन है अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नंबर थर्ड ऐप की बात करते हैं जिसका नाम है टैगयू। टैगयू की मदद से आप जो है अपनी वीडियोज़ के लिए टैग्स फाइंड कर सकते हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैगयू में क्या होता है, जैसे आपको वीडियो बनानी है कि हाउ टू मेक थंबनेल, यही टॉपिक ले लीजिए यहाँ पे हाउ टू मेक थंबनेल। ठीक है, थंबनेल मतलब जितने भी उसके रिकॉर्डिंग टैग रहेंगे वो इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो है टैगयू की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने टाइटल पेस्ट किया फिर उसके नीचे जो भी टैग्स होंगे आपके वीडियोज़ के लिए सजेस्ट करेंगे आप पे, तो आप उसे कॉपी करके अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको थोड़ा सा अगर कुछ अलग करना है तो आप जैसे किसी पॉपुलर क्रिएटर की अगर वीडियो है तो आपको उसके मतलब टैग्स को पता करना है तो आप वहाँ पे जाइए, साथ ही वहाँ पे जो लिंक होता है वीडियो का उसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो उससे मतलब आपको पता लग जाएगा कि यहाँ इस वीडियो में कौन से टैग लगे हैं, आप टैग चेक कर सकते हैं किसी भी वीडियो का वो। और नंबर फोर्थ की बात करते हैं, इसका नाम है KineMaster। आप लोगों को पता होगा ये जनरली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे पावर डायरेक्टर है, KineMaster है, और बाकी मोस्टली मैं KineMaster की वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो KineMaster का काम क्या होता है, यहाँ पे आप वीडियोज़ का एडिट कर सकते हैं, इसमें 16:9 में, 9:16 में, 1:1 में, ये 3 यहाँ पे आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं और बाकी यहाँ पे एनिमेशन है, और बाकी यहाँ पे आप जो है अपनी वीडियोस के इमेज को यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही आपको जिस तरह की आपको वीडियो एडिटिंग करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं जो इससे वीडियो एडिट करता हूँ वो KineMaster से करता हूँ, आप लोग KineMaster को डाउनलोड कर सकते हैं, बट अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको वाटर मार्क मिलेगा, और साथ ही अगर आप वो स्क्रीन भी लगा सकते हैं अपनी वीडियोज़ में, जो भी करना है वहाँ से आप कर सकते हैं। लास्ट नंबर फिफ्थ बात करते हैं, इसका नाम है OpenCamera। ओपन कैमरा की मदद से आप जो है अपने वीडियो, जैसे आपको एक्सटर्नल जैसे आपके फ़ोन का माइक है जहाँ पे हेडफोन जैक होता है, अगर आपके एक्सटर्नल माइक नहीं सपोर्ट कर रहा है तो आप जो है ओपन कैमरा डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है एक्सटर्नल माइक जो आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेटिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि यहाँ ऐड एक्सटर्नल माइक, ऐसे कुछ ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप सेलेक्ट करके जो एक्सटर्नल माइक है अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जैसे वोया का हो गया, फिर और भी जो वायरलेस माइक आते हैं, अगर आपको अपनी वीडियोस में साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आप जो है एक्सटर्नल माइक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में जो हेडफोन जैक दिया गया है अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है तब आप ओपन कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं लास्ट में कुछ बोनस ऐप भी बताऊँगा, तो फर्स्ट ऐप जो है और उसका नाम है एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर आपको अपने वीडियोस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाना है, जैसे आपको कहीं पे कोई भी मतलब
चीज़ें आप कर रहे हैं, आपको अपने बगल में स्क्रीन दिखाना है या फिर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही रिलेटेड आप वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप जो है एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं भी यहाँ पे यूज़ करता था, अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपका स्टडी चैनल है, अगर आप वीडियोज़ में मतलब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पे जो है पेंसिल वगैरह जो यहाँ पे रहती है बाकी सब यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही सेकंड जो एप्लीकेशन है उसका नाम इंट्रो मेकर। अगर आपको अपने वीडियोज़ में इंट्रो वगैरह लगाना है, जैसे आपको आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल जो हैं रहते हैं स्टार्टिंग में चैनल का नाम वगैरह आता है, तो ये जो है आप इंट्रो मेकर की मदद से आप जो है इंट्रो बना सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन जो है उसका नाम है ट्यूब बडी। ट्यूब बडी की मदद से आप जो है अपने चैनल का वहाँ से भी आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई भी एप्लीकेशन जो छूट गया है तो आप कमेंट बताइए कि मैं उसे भी देखूंगा। तो यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। मैंने 5 एप्लीकेशन बताया है और साथ ही मैंने लास्ट में कुछ बोनस एप्लीकेशन बताए हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कुछ और एप्लीकेशन के बारे में बताया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और किस टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और टिल देन स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।